हाथ पे पाँव पे मेरे पास में, खेत पे जाती खेत पे काम करते हुए काट लेता। फर्स्ट बार भी मैं ही हॉस्पिटल ले गया और बार बार ले जाते हैं, अब तो इनको हॉस्पिटल ले जाना ही बंद कर दिया। सांप, नाम सुनते ही बदन कांप उठता है, और हो भी क्यों ना। कई बार तो सांप के काटने से बचने बचाने का मौका तक नहीं मिलता और जिंदगी खत्म। लेकिन आज हम आपको रियासत राजस्थान के शहर चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी खातून के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक या दो नहीं बल्कि 34 बार सांप ने काटा है। एक बार तो सांप खुद ही बेसुध हो गया था। आइए जानते हैं खातून की कहानी। फर्स्ट बार काटा जब मैं 17 दिन एडमिट रही, उसके बाद हर साल काटने लग गया। काटने के 3 दिन पहले वो नजर आता था, उसके बाद कंटिन्यू 2011 तक काटता रहा। महकमा खवातीन व इतफाल बहबूद ने ग्राम फेलो की हैसियत से काम करने वाली 45 साल ब्रिजवाला का मकान अभी तो पक्का है, लेकिन सन 1993 के दौरान वो अपने कुनबे के साथ कच्चे मकान में रिहायश पजीर थी। रात को 12:30 बजे काट लिया उसी सांप ने, और वापस उसी ने रात भर बिस्तर पे रहा वो सांप। उसके बाद सुबह 4:30 बजे वापस वो बिस्तर से उतर के मुझे काटा, तब जब मैं चिल्लाई जोर से कि ये भी मुझे काट रहा, अब तो इसको पकड़ो। फिर इन्होंने लास्ट में सांप को मारा, थैले में पैक किया। उनके शौहर कृष्णा दत्त तिवारी समेत कुनबे के अफराद घबरा गए और ब्रिजवाला को फौरी तौर पर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। और काटने पे गया, मुझे बेहोशी की हालत होती है। उसके बाद जिला मुख्यालय पे एडमिट कराया जाता, एंटीबायोटिक्स नेक लगाए जाते, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता, लेकिन उसका असर 3-4 दिन रहता। हम सभी मोहल्ले से हरकत में परेशान हो जाते हैं, बार बार इनके साथ ऐसा क्यों होता है। बाकी इनके परिवार वालों के साथ भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, केवल ओनली ये भाभी जी ब्रजवाला जी इनके साथ ही बार बार अब शायद अभी 2-5 साल से मेरे भी सुनने में नहीं आ रहा है। साल 2000 से पहले पड़ोसी ही इस कुनबे के अफराद के साथ उसे अस्पताल ले जाते थे। कभी कभी हम सुनते हैं कि आज पता लगा कि उनको सांप ने काट खाया है, तो फिर हमारा दोस्त है इसलिए हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। एक बार बाइक पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में ऐसा लगा कि भाई ये सोने लगी, तो उसको थपड़े लगा के इसको जगह के हम हॉस्पिटल ले गए। सोने से दिक्कत आती इसमें तो, और हॉस्पिटल ले गए। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हुआ, फिर नॉर्मली धीरे धीरे इनका वो जहर का असर कम होता गया और फिर अभी बंद भी हो गया। काफी बार तक सामने इनको काट गया। हैरत की बात यह है कि भले ही ब्रिजवाला अपने बच्चों के दरमियान में सोए, सांप उसे ही काटता था। हम सब परिवार वाले सब इकट्ठे रहते हैं, हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बस इसी के आके वो दंग लगा चले जाते हैं। और काफी बेचैनी महसूस होती है कि क्या मालूम भविष्य में क्या हो सकता है। करीब करीब 34 बार में यही घटनाएं और यही दोहराना पड़ता है कि जिला मुख्यालय लेके तत्काल पोजिशन में जाना पड़ता है। इसे अब तक 34 बार सांप ने काटा है, जबकि उनके कुनबे के दीगर किसी भी फर्द के साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।